हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, कुछ वर्नियर स्केल के टाइप्स डिस्कस हुए थे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैन सर्वेइंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ चैन सर्वेइंग? टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन हॉरिजेंटल प्लेन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन and to relate two different features in term of linear measurement. Means दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम हॉरिजेंटली मेजर करें और इस चीज़ को हम लीनियर मेजरमेंट भी कह सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ सर्वे लाइन होते हैं कि आप डायग्राम देखो, इस डायग्राम को देख कर एक होता है जैसे मेन लाइन, सबसे मतलब सर्वे लाइन में आप बहुत सारा लाइंस पढ़ोगे तो इसमें एक पॉइंट हमारा है मेन लाइंस। मेन लाइंस उसको कहते हैं, लाइन ज्वाइनिंग मेन स्टेशन आर कॉल्ड मेन लाइंस। ये फिगर आप देख रहे हो, ए और बी, हमने सपोज किया है कि हमारा मेन स्टेशन है और इन दोनों के पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा मेन लाइन होता। नेक्स्ट हमारा जो है बेस लाइन होगा द बिगेस्ट सेंट्रल लाइन which will divide the whole area to parts of are called baseline. आप ये डायग्राम देखो, क्या हमने पढ़ा है द बिगेस्ट सेंट्रल लाइन, बिगेस्ट सेंट्रल लाइन होना चाहिए। जैसे ए इसे डी हमने बिगेस्ट देखा, जो एरिया को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब बिगेस्ट लाइन को हम लोग बेस लाइन कहेंगे। और चेक लाइन, एनी लाइन यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ सर्वे वर्क इज कॉल्ड चेक लाइन। एक्यूरेसी चेक करने के लिए कोई भी पॉइंट को अगर हम ले रहे हो, सपोज हमने बी से एफ का कुछ एक लाइन लिया चेक करने के लिए, तो वो चेक लाइन में, चेक लाइन का। नेक्स्ट जो हमारा है एक टाई लाइन, एनी लाइन यूज फॉर डिटेलिंग ऑफ फीचर्स एंड एरिया आर कॉल्ड टाई लाइन। कोई भी वैसा लाइन जो हम डिटेलिंग ऑफ फीचर्स एंड एरिया, मतलब उस एरिया के लिए उसका कुछ डिटेलिंग, मतलब उसको डिटेल में अगर बताना चाह रहे हो तो वो हम टाई लाइन उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑफसेट, इट इज़ ए लीनियर मेजरमेंट टेकन फॉर एनी फीचर्स इन लेटरल डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन। इट इज जनरली टेकन एट 90 डिग्री, बट इन अनअवॉइडेबल केसेस इट मे बी टेकन एट एनी अदर एंगल विच नोन एज ऑब्लिक ऑफसेट। ऑफसेट बेसिकली हमने क्या कहा, 90 डिग्री के एंगल पे लेगा। जैसे ये हमारा है O2, हमारा 90 डिग्री के एंगल पे लिए, ये हमारा ऑफसेट हो गया। यहाँ पे O3 हमने सपोज लिया, इसके ऊपर 90 डिग्री लाया तो वो ऑफसेट हो गया। दूसरा अगर हम किसी और 90 डिग्री के अलावा अगर दूसरे किसी भी एंगल से ले रहे हो तो वो ऑब्लिक ऑफसेट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चैन सर्वेइंग, लोकेशन डिवाइस। ये पेक्स फॉर मेन स्टेशन और एरोज इंटरमीडिएट स्टेशन। ये जो पेक्स गाइस आप देख रहे हो, इस टाइप का जो भी फिगर है या फिर इस टाइप का प्रैक्टिकली होता भी है, और एरो है, ये एरो जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इंटरमीडिएट स्टेशन, यानी कि एक फर्स्ट स्टेशन आपने कुछ चूज़ किया होगा। सपोज आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सपोज आपका मेन स्टेशन हो गया ए और बी। तो इसमें आप कौन सा यूज़ करोगे, पेक्स यूज़ करोगे, यहाँ पे आप पेक्स यूज़ करोगे, और इसके बीच इंटरमीडिएट जो भी है वहाँ पे आप एरो यूज करोगे। नेक्स्ट है हमारा रेंजिंग डिवाइस, रेंजिंग रॉड हुआ और ये ऑफसेट रॉड हुआ। थर्ड जो हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ मेजरिंग सर्वे चैन सर्वेइंग में, क्रॉस ऑफसेट है, प्रिज्म ऑफसेट है, ऑप्टिकल ऑफसेट है,
ऑप्टिकल स्क्वायर है, सॉरी ऑप्टिकल स्क्वायर नॉट ऑप्टिकल ऑफसेट। नेक्स्ट हमारा है ग्राउंड स्लोप मेजरिंग डिवाइस, जिसको हम लोग क्लिनोमीटर कहते हैं। डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस में गाइस हम लोग का बहुत टाइप का चेन आता है। चेन आएगा जैसे मेट्रिक चेन, गंटर्स चेन, इंजीनियर्स चेन, और भी बहुत टाइप्स के चेन आएंगे। तो इसमें जैसे मेट्रिक चेन के लिए हमारे पास जो होगा वो एक, मतलब उसमें एक लिंक का जो लेंथ होगा, 100 लिंक होंगे जिसमें एक का लेंथ वन लिंक का लेंथ 20 मीटर होगा। मैट्रिक चेन, मैट्रिक चेन जैसे होगा 100, जैसे इसमें दो टाइप के, एक 20 मीटर का 100 लिंक वाला होगा, 30 मीटर का 150 लिंक का होगा। और ये 30 मीटर का 100 लिंक भी है किसी केस में। गंटर्स चेन 100 लिंक का, जिसका लेंथ हो जाएगा 66 फीट। गंटर्स चेन आप देख रहे हो 50 फीट में दिया है। इंजीनियर्स चेन गाइस हम लोग यूज़ करते हैं उसको, 100 लिंक 100 फिट। रेवेन्यू चेन में 16 लिंक रहेगा, उसका जो लेंथ है 33 फिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मेजरिंग, ये हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस। तो उसमें दूसरा एक टेप हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये टेप किस मटेरियल से बना है उसके बेसिस में हम इनको डिवाइड करते हैं। पहला हमारा जैसे क्लोथ और लिनन टेप, ठीक है। इसमें रेयरली यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय मॉइस्चर। इसको हम लोग रेयरली यूज करते हैं क्योंकि ये मॉइस्चर की वजह से मेजरमेंट को अफेक्ट करता है। लाइकली टू ट्विस्ट एंड स्ट्रेचेबल इन नेचर, ये ट्विस्ट और स्ट्रेचेबल भी होता है, जिस वजह से इसको हम लोग रेयरली यूज करते हैं। मेटालिक टेप, इट इज मेड अप ऑफ ब्रास एंड कॉपर, इट इज सुपेरियर टू क्लोथ टेप। गाइस जो भी टेप है उसके जो किस मटेरियल का बना है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इट इज सुपेरियर टू क्लोथ टेप, क्लोथ टेप के कंपेयर में ये सुपेरियर है। नेक्स्ट है हमारा स्टील टेप, मेड अप ऑफ स्टील एंड सुपेरियर टू मेटालिक। ये स्टील का बना है और ये मेटालिक टेप से भी सुपेरियर है। और नेक्स्ट हमारा जो है इनवार टेप, मेड अप ऑफ अलॉय ऑफ निकल एंड स्टील, ये निकल और स्टील के अलॉय से बना रहता है। वेरी लेस एरर, इसमें बहुत कम एरर रहता है। यूज फॉर हाई डिग्री प्रेसिजन, जनरली यूज फॉर बेस लाइन मेजरमेंट, इज सुपेरियर टू ऑल ऑफ देवर। ऊपर आपने क्लोथ, लिनन टेप, मेटालिक टेप, स्टील टेप, जितना भी टेप पड़ा हो उसमें सबसे जो बेस्ट है, सुपेरियर है, वो हमारा इनवार टेप है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा करेक्शन रिक्वायर्ड इन चेन सिस्टम। जो भी चेन सिस्टम में मेनली हम क्या कर रहे हैं, एक टेप ले रहे हैं, उसके थ्रू एक पॉइंट सेलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, उन दोनों के पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मेजर किया, तो उसमें कुछ ना कुछ इरर हो सकता है। इरर होगा तो फिर करेक्शन जरूरत पड़ जाएगा, तो ये हम इसमें जानेंगे। तो जैसे एरर क्या हो जाएगा, एरर हमारा हो जाएगा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। गाइस ये करेक्शन और एरर में हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि मेजर को पहले रखूँ या ट्रू वैल्यू को पहले रखूँ, लेकिन आप याद रखो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर क्या होगा, जो हमने मेजर किया और माइनस जो हमने ट्रू है, इसलिए एरर इज इक्वल टू मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू हो जाएगा। करेक्शन जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। करेक्शन वही एरर का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव कर दो तो वही करेक्शन हमारा होगा। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन और करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब जो हमने टेप लिया है उसका लेंथ में कुछ एरर है, चाहे वो लेंथ बढ़ा हो या फिर घटा हो, चेन का घटने बढ़ने के वजह, मतलब जैसे लिंक उसमें कनेक्शन रहता है, लिंक का जो उसके लिंक का उसका जो ओपनिंग रहता है क्लोज, ज़्यादा क्लोज हो जाएगा तो चेन का लेंथ घट जाएगा, और वो ओपनिंग उसका ज़्यादा खुला हुआ रहेगा तो
तो फिर लेंथ बढ़ जाएगा. मीन्स इस चेन के इनकरेक्ट लेंथ के वजह से जो करेक्शन हम करेंगे, और स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब जितना स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए उससे ज़्यादा और घटा हो तो फिर उसके लिए हम करेक्शन का रिक्वायर कर रहे हैं. तो इसमें हमारा जैसे एल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रू चेन लेंथ और डिजिग्नेटेड चेन लेंथ. ओके, एल डैश हमारा रॉन्ग चेन लेंथ, एल जो है ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, एल डैश रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड. बेसिकली आप इसको याद करने के लिए याद कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला में हम लोग बैठाते हैं, ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग. गाइज हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन. करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन. तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला जान लो, ट्रू इंटू रॉन्ग एल इंटू एल इजक्वल टू एल डैश इंटू एल डैश. एल जो आपका हो गया ये ट्रू ट्रू चेन लेंथ हो गया, और डिजिग्नेटेड जिसको कहते हैं डिजिग्नेटेड जो ऑलरेडी डिजाइन किया गया है 20 या 30 ऐसा रहता है, एल डैश जो हमारा हो गया ये जो रॉन्ग चेन लेंथ हो जाएगा. और रॉन्ग डिजिग्नेटेड इसको भी रख सकते हो, रॉन्ग डिजिग्नेटेड चेन लेंथ हो जाएगा. ठीक है, एल डैश जो हमारा हुआ वो रॉन्ग लेंथ हो गया, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड जो रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड मतलब जो हमने जो हमारा ट्रू चेन लेंथ ही हमारा रॉन्ग था उसके वजह से जो हमारा मेजर हमने किया उसकी वजह से जो रॉन्ग लेंथ वो निकला, तो एल हमारा जो हो जाएगा वो एक्चुअल हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ. गाइस सपोज ये क्वेश्चन आप देखो, एल हमारा डिजिग्नेटेड लेंथ है, वो चेन रॉन्ग चेन के वजह से उसका 30.10 मीटर हो गया, सबको सपोज करो मीटर ही. और ये हमारा जो रॉन्ग लेंथ के वजह से रॉन्ग डिजिग्नेटेड चेन लेंथ के वजह से 7 to 100 मीटर है, उस फॉर्मूला में बैठाएंगे ऐसे कट करेंगे तो हमारा एक्चुअल में कितना होना चाहिए. तो फिर इससे आप करेक्शन भी निकाल सकते हो, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू अब हमें पता चल गया है और मेजर्ड वैल्यू हमारा ऑलरेडी पहले से था ये 7200 कैलकुलेट किया तो ये हमारा 24 मीटर. यहाँ पे एक आप कॉल कंक्लूजन समझो, इफ एल डैश इज ग्रेटर देन एल देन करेक्शन यू विल बी पॉजिटिव.